दोस्तों ये खड़ी हुई है ब्रांड न्यू यामा MT-15 का नया कलर ऑप्शन। और दोस्तों मुझे आज ये बात पता चली कि ये बाइक हमारे यहाँ 4 दिन पहले आ गई थी। मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, बात अलग है। अगर मैं 4 दिन पहले आता तो आई थिंक ये वीडियो मैं सबसे पहले डाल पाता, और आई थिंक इस कलर ऑप्शन का रिव्यू आई थिंक किसी ने डाला भी नहीं है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इस कलर ऑप्शन का डिटेल आपको मैं रिव्यू देने वाला हूँ। ये नया सियान स्टोर में, जो पहले सियान स्टोर आता था ना, उसका थोड़ा नया कलर है, लेकिन कंपनी ने इसका नाम क्या था मैं देख सकता हूँ। भाई नाम देखिए क्या दिया, डार्क ब्लश ग्राफिक ऐसा कुछ कंपनी ने इसका नाम दिया, बट नया ये सियान स्टोर था कहीं मुझे देखने को मिल रहा है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इस ब्यूटी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या चेंजेस है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्ट हो रहे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, अपनी क्या प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये कंपनी ने प्राइस इसका नहीं बढ़ाया, ये एक्सरूम प्राइस उतना ही आ रही है 1,72,000 तो ये 1,72,000 रुपये के आसपास की आपको ये एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। ऑन रोड प्राइस के बारे में बताओ तो क्लियर कर दूँ, आरएके चेन्नई सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए आरएके स्टेट के आर्डियन इंश्योरेंस चार्ज से फर्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आती है लगभग 2,16,000, 2,16,000 रुपये के आसपास की हमारे ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों को सिटी एंड स्टेट में उसका क्या प्राइस है अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले आपको ये नए कलर ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको थोड़ा ब्लूश कलर मिलेगा, इसका अलावा ये कलर देखिए क्या सुपर्ब लग रहा है। ठीक, ये थोड़ा इंडोनेशियन टाइप का कलर लग रहा है, प्लस थाईलैंड वेस्ट टाइप की कलर लाती है, हम इंडिया में भी आने लगा ये देख सकते हैं। उसके बाद ये कलर ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये बहुत प्यारा मिल रहा है, प्लस यहाँ पे आपको ब्लू से ग्राफिक मिल रही है, यहाँ पे आपको MT-15 की बैचिंग देखने को मिलती है, प्लस रेयर की जो अलाउमेंट है ये भी आपको यहाँ पे ब्लू टाइप की देखने को मिल जाती है, प्लस यहाँ पे आपको यामा की जो बैचिंग है वो भी आपको इस बाइक पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको एक थोड़ा ब्लू यहाँ पे मिलेगा, ये कलर ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है। और अब भाई वीडियो फोटो में देखने में उतना समझ में नहीं आता, जब एक बार रियल लाइफ में देखेंगे ना तो आप और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आ जाते हैं इसके रिव्यू में। सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी की ऑन करता हूँ, जिससे जैसे ही मैं की ऑन करूँगा यहाँ पे आपको LED जो DRL लाइट है आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही प्रीमियम और बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेन लाइट में दोस्तों इस बाइक में आपको सिंगल जो LED प्रोजेक्टर लाइट है आपको इस बाइक में देखने को मिल रही है। आप देख पा रहे प्रोजेक्टर लाइट है जो कि सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट, मैं ध्यान रखिए दोस्तों इसकी जो सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट की इल्यूमिनेशन प्लस विजिबिलिटी आपको इतनी बेहतर मिलती है कि आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फोकलाइट लगाने की नीड पड़ेगी, क्योंकि लाइट की पावर बहुत ही आपको अच्छी मिल जाएगी। दोस्तों टर्न सिंगल लैप पे आपको LED देखने को मिलते हैं, आप देख पा रहे कंपनी ने LED टर्न सिंगल लैप यहाँ पे ऑफर किए हुए हैं। फ्रंट सस्पेंशन में आते हैं दोस्तों, फ्रंट में इस बाइक में आपको 37mm की USD यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलेंगे। सस्पेंशन की जो क्वालिटी आपको बहुत सुपर देखने को मिलती है, कंपनी ने काफ़ी अच्छे जो सस्पेंशन इस बाइक में ऑफर किया हुआ है, गोल्डन कलर की सस्पेंशन है और काफ़ी मैच भी हो रही है इस कलर से। फ्रंट में आपको 180/100 के आसपास के टायर साइज मिलेंगे। बात करें ब्रेकिंग के बारे में, ब्रेकिंग दोस्तों स्पेशल फीचर में इस बाइक में आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो ABS है, जो कि डुअल चैनल ABS आपको बाइक में मिलता है। अगर बात करूँ प्लेट साइज के बारे में तो फ्रंट में 282 की जो प्लेट है आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। और ये कलर देख पा रहे हैं आप, ये क्या सुपर मिल रहा है, प्लस ये जो ब्रेकिंग प्लेट साइज है ये भी आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन देखने को मिल जाती है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों इस बाइक के इंजन की तरफ। दोस्तों बता दो इंजन टाइप में इस बाइक में आपको 155cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSG सिंगल सेल इंजन जो इंजन है आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, तो सी मैक्सिमम पावर में आपको बता दो 18.4 का PS पावर जनरेट करती है एंड 14.1 के आसपास का जो टॉर्क वो आपको MT-15 में देखने को मिल जाता है। देखिए आप सोचते होंगे कि भाई 150 सेगमेंट की बाइक है, पावर भी इतनी खास नहीं है, बट इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कैसे आती है, क्योंकि दोस्तों इसमें आता है VVA टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं वेरिएबल वॉल्यूम इक्वेशन, और VVA टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है ना भाई आपको बहुत तगड़ी देखने को मिलती है। ये चीज़ बाइक का काफ़ी बड़ा जो प्लस पॉइंट है हमें इस बाइक का देखने को मिल जाएगा। कूलिंग सिस्टम में दोस्तों इस बाइक में आपको लिक्विड कूल इंजन मिलता है, आप देख पा रहे हैं कंपनी में काफ़ी अच्छा जो रेडिएटर है वो भी इस बाइक में डाला हुआ है। आपको बता दो दोस्तों ये जो बाइक है दोस्तों 6 गियर के साथ में आती है, प्लस इसमें आपको E20 BS6 Phase 2 वाला इंजन मिलता है। एंड आपको मैं ध्यान रखते हुए बता दो कि इसमें दोस्तों आप लोगों को जो है ना जो स्लीपर क्लच है वो भी आपको बाइक में देखने को मिलता है, हाँ किक शिफ्टर नहीं मिलता। मुझे भाई यामा वाले से रिक्वेस्ट है कि भाई इसमें किक शिफ्टर लाने की कुछ करिए, उसमें किक शिफ्टर लेकर आइए प्लीज़। प्लस आपको बता दूँ यामा का इंजन है तो जो इंजन क्वालिटी वो आपको बाइक में बहुत सुपर देखने को मिल जाता है।
सो यहाँ दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। चलिए बात करें इस बाइक के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों आपको बता दूँ माइलेज में भी ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बाइक मिनिमम आपको लगभग 45-50 का माइलेज देती है, अराउंड 40-45 के आसपास का माइलेज इजिली ऑफर कर देती है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी। पर ये चीज़ सिर्फ जापानीज ही कर सकते हैं भाई, ये चीज़ आपको उसकी काफ़ी प्लस पॉइंट देखने को मिल जाएगी। ठीक, 0-100 में इस बाइक को लगभग 10 सेकंड के आसपास की लगते हैं। इनकी जो टॉप स्पीड है वो आपको लगभग 135-140 किलोमीटर पर आवर के आसपास की इजीली जो ये कैच कर लेती है। अब आते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। सबसे पहले इसकी टेन लाइट दिखाता हूँ। तो सर टेन लाइट में यहाँ पे आपको LED देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही प्रीमियम और बहुत अच्छा लगता है। कंपनी ने काफ़ी अच्छी टेन लाइट यहाँ पे दी हुई है। टिटन सिंगल लाइट पे रियर में आपको LED देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको बता दूँ रियर में इसमें आपको 140/70 के टायर साइज मिलते हैं। MRF के टायर है, टायर जो है आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। एयर में इस बाइक में आपको 220mm की जो डिस्क प्लेट है वो आपको इस बाइक पे देखने को मिल जाएगी। एयर का एग्जॉस्ट देख पा रहे, ये भी आपको बहुत सुपर मिल रहा है। एग्जॉस्ट जो लोड है ये भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे जो फुटरेज है उसकी क्वालिटी आपको यहाँ पे बहुत सुपर देखने को मिल जाती है। रियर में आपको जो सस्पेंशन मिलेंगे दोस्तों, आपको मोनोसॉक सस्पेंशन मिलते हैं। सस्पेंशन की क्वालिटी आपको यहाँ पे बहुत सुपर मिल जाएगी। ठीक, सीट के बारे में बात करते हैं। सीट में दोस्तों यहाँ पे आपको बाइक में सिंगल सीट मिलता है, MT50 स्प्लिट नहीं आता। बट सीट की जो फोन क्वालिटी वो आपको अच्छी मिलेगी, आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। प्लस आप देख पा रहे जो स्ट्रिप है दोस्तों, स्ट्रिप भी बहुत आपको क्वालिटी प्लस काम की चीज़ देखने को मिल जाती है यहाँ पे। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है आप लोगों को गर्बरेज क्वालिटी भी बहुत सुपर मिल जाएगी। टैंक डिजाइन पर यहाँ पे आपको E20 की बैचिंग मिलती है, प्लस यहाँ पे आपको यामा की बैचिंग मिल जाती है। चलिए बात करें इसके स्पीडोमीटर के बारे में। ठीक, सबसे पहला की देख लीजिए, इस टाइप का की आपको बाइक में मिलेगा। बस स्पीडोमीटर में इस बाइक में आपको फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो काफ़ी सारे जो फीचर है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये गियर इंडिकेटर है दोस्तों। ठीक, यहाँ पे आपको ये टेकोमीटर मिल रहा है, इसे हम RPM भी कहते हैं। स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे आपको क्लॉक भी मिलता है। जैसे क्लॉक है देख सकते हैं, ऑडोमीटर है, ट्रिप 1 ट्रिप 2, एवरेज माइलेज, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये दो चीज़ें भी आपको बाइक में मिलेंगी। प्लस इस जो स्पीडोमीटर है इसे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आपको बता दोस्तों इसमें आपको जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी आपको इस बाइक में मिल जाता है। सिस्टम में पास सीट, टर्न सिग्नल लैंप, हॉर्न, इंजन किल सीट, और एक नई चीज़ है हजार्ड। ये हजार्ड पहले नहीं आ रहा था, बट ये नई चीज़ भी आपको इस बाइक में देखने को मिली है जो कि कंपनी ने ऑफर किया है। बात करें इसकी डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में दोस्तों, इसकी जो सीट हाइट है लगभग 810mm, मतलब आपके हीटर अगर 5.4 से ऊपर है तो कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं। इसका जो कर्व हीट है लगभग 141 kg का है। ठीक, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 10 लीटर के आसपास की देखने को मिल जाती है। तो ये तो दोस्तों ब्रांड न्यू सियान स्टॉर्म नया ब्लू कलर MT50 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये बाइक कैसे लगी। भाई पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बाइक, और है भी बहुत अच्छी भाई। MT50 मतलब वन ऑफ दी बेस्ट बाइक्स में से एक। आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों आपका नया कलर ऑप्शन कैसा लगा। अगर आपको दोस्तों आना है तो स्वास्तिक यामा पे आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों, आपको ये बाइक यहाँ पे मिल जाएगी और आप इसे आके देख भी सकते हैं, इसे खरीद भी सकते हैं, जो कि सबसे पहले रायपुर में यामा की बाइक इसी शोरूम में आती है। समय करता हूँ आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो, अच्छी लगी हुई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।